हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ठंड तो बढ़ गई है थोड़ी सी, लेकिन कोई नहीं, ठंड भी आनी चाहिए। काफ़ी हमारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपके हाइड्रोपोनिक सिस्टम में कितनी लागत आई है, तो हमने कहा ठीक है, एक वीडियो बना के बता देते हैं कि हमारी सिस्टम में क्या लागत आई है। वैसे तो हमारे पास काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ था इसका पहले से घर में, और वो फालतू ही था तो हमने उसको भी यूज़ किया है, लेकिन फिर भी जब फ्रेश बनाते तो कितनी लागत आती वो मैंने एक एस्टिमेट बनाया है, तो आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये फ्रेम बनता है इसका, ये लोहे का फ्रेम आप देख रहे होंगे इधर, सबसे पहले ये फ्रेम बनता है। तो ये 10 फुट लंबा है, 10 फुट का पाइप हमने लगा रखा है, तो 10 फुट का पाइप से भी एक दो इंची कम ही होता है, ये कई कई तो 5-5 इंची कम होते हैं, 10 फुट पूरा होता नहीं है ये। तो इसमें हमने तीन मतलब बनाए हुए हैं, देखिए इधर से आकर के ये तीन लगाए हुए हैं इस तरह के जो सपोर्ट हैं, ये एक किनारे किनारे दो हैं, एक बीच में एक सपोर्ट लगाया हुआ है हमने। तो एक ये है तो इसका ये फ्रेम बना है, और थोड़े थोड़े ये सपोर्ट हैं, ये देखिए कुछ सपोर्ट है, कुछ नीचे ये लगा हुआ है सपोर्ट, ठीक है। ये तो आपको जो फैब्रिकेशन करेगा वो आपको सारा बना देगा ऐसे ही, ठीक है। ये पत्ती भी हमारे पास पड़ी हुई थी, तो ये देखिए जोड़ काट करके हमने लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं, सपोर्ट दे ही रहा है, ठीक है। तो इस फ्रेम में हमारा एक एस्टिमेटेड है कि 15 kg लोहा लगा हुआ है, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है, ये 15 kg लोहा हमारा लगा हुआ है, और 70 रुपये kg का आजकल लोहे के पाइप का रेट है। ये 1 इंच का पाइप है, ये देखिए इधर से आके दिखाना, ये स्क्वायर पाइप, ये 1 इंच का स्क्वायर पाइप है जिससे ये फ्रेम बना हुआ है, ठीक है। हेवी लेने की आवश्यकता नहीं है, हल्की थिकनेस वाला भी चलेगा। तो 15 kg लगभग इसमें लोहा लगा हुआ है, 70 रुपये kg के हिसाब से 1050 रुपये का ये आपका लोहा हो गया, ठीक है। अब इसमें मिस्त्री को हमने 400 रुपये दिए थे, एक दिन में इसने बनाया था तो 400 रुपये उसको दिए थे, ठीक है। अब 4 इंच का ये पाइप है, ये जो मोटा पाइप देख रहे हैं 4 इंच वाला है, ठीक है। तो ये हम सस्ता वाला ही यूज किए हुए हैं, ये कोई महंगे वाले यूज नहीं किए हैं। तो ये 225 रुपये का हमें पड़ा है, ये काले रंग का पाइप आप भी देखेंगे तो आपको भी सस्ता ही पड़ेगा, लेकिन ये लगाइएगा मत, ये बहुत घटिया पाइप है, आप बढ़िया पाइप ही यूज़ कीजिएगा, जो 300-325 रुपये का आपको पड़ेगा तो वही यूज़ कीजिएगा, ठीक है। ये हमें सस्ता पड़ा था, 225 रुपये का पड़ा था, तो इसकी लागत हमारे 12 पीस पाइप लगा हुआ है इसमें सिस्टम में, तो हमारा ये 4 इंच का जो पाइप है ये 12 पीस पाइप लगे हुए हैं फिलहाल, बाकी इसमें अभी जगह है, तो इस फ्रेम में हम चाहे तो अभी 6-7 पाइप और बढ़ा सकते हैं, कुछ अंदर की साइड से, कुछ नीचे अभी खाली छूटा हुआ है यहाँ बढ़ा सकते हैं। तो ये 2700 रुपये का हमारा पाइप लगा हुआ है इसमें, ठीक है। अब इसमें ये पाइप के ऊपर एक कैप आप देख रहे होंगे, ये कैप, ये हमें तो ये 30 रुपये का पड़ा था, बाकी ये 30 से 40 के बीच में आपको ऑल इंडिया मिल जाएगा कहीं भी, ठीक है। तो ये 30 रुपये के हिसाब से इसका लगा लीजिए, 700 का ये पाइप हो गया आपका, अगर 40 का मिलता है तो 960 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। ये कवर कैप बोलते हैं इसको, एंड कैप। और इसके बाद ये जो 1 इंच का पाइप लगा हुआ है, काफ़ी लोग तो इसके रिड्यूसर लगाते हैं यहाँ पर, 4 इंच से उसको 2 इंच बनाते हैं और फिर 2 इंच से ही ये पूरा कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन हमने वो नहीं किया, हमने यहाँ पर 1 इंच का पाइप लगाया हुआ है और उससे हमें कोई प्रॉब्लम अभी तक फेस नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो 1 इंच का पाइप हमने यूज किया और हमारा पानी वानी सब कुछ ठीक से निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं इसमें गलतियाँ कि न्यूट्रिशन बहुत कम रखते हैं, हर कोई आपको यही बताएगा कि शुरू में TDS आप 300 रखिए, 350 रखिए, आपको पौधा उगाना है, तो हम ऐसा नहीं करते, हम शुरू से ही TDS अपना 1400-1500 ही मेंटेन करते हैं, इसलिए हमारी जड़ें इतनी बढ़ी नहीं पाती है। ये काफ़ी पुराना पौधा है फिर भी इसकी जड़ कोई खास नहीं बढ़ी हुई, देखिए जड़ बहुत छोटी है, तो जड़ हमारी इतनी डेवलप नहीं करती है कि हमारे पाइप को जाम कर सके, कि पाइप जाम तभी होते हैं जबकि आप न्यूट्रिशन कम देते हैं पौधों को, ठीक है। अब ये इतना बड़ा बड़ा पौधा हो गया देखिए ये जो, लेकिन फिर भी इसमें आप देखेंगे तो जड़ है ही नहीं, जड़ बहुत कम इसमें डेवलप हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप न्यूट्रिशन पूरा रखेंगे तो जड़ बढ़ाने की पौधों का आवश्यकता नहीं है, अपनी सारी एनर्जी वो
सिर्फ ऊपर के हिस्से बढ़ाने में लगाएगा, फल फ्रूट में लगाएगा, ठीक है। न्यूट्रिशन कम रखने की वजह से ही ये जड़ें ज़्यादा बढ़ती है और पौधा फिर इतना डेवलप नहीं हो पाता जल्दी। जैसे हमारा देख ही रहे हैं कि ये 24 दिन में ही हमारे पालक भी इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, ये मेथी भी इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होता है। और ये एक इंच का पाइप हमारा 3 पीस लगा हुआ है इसमें, हालांकि ये घर में ही था, तो ये 3 पीस का रेट आपका 750 रुपया हो गया, लगभग 250 रुपये पीस, 250 रुपये का एक पीस लगभग 10 फुट की लेंथ आती है, ठीक है। तो इसकी आपकी लागत हो गई 750 रुपये, 250 के हिसाब से, ठीक है। अब ये टैंक कनेक्शन, ये देखिए ये टैंक कनेक्शन लगता है यहाँ पर, आप टैंक कनेक्शन ही लगाइएगा, कहीं कहीं हमने वैसे यूज कर रखा है, बंद कर रखा है, लेकिन आप इसी का यूज़ कीजिएगा, ये बाद में प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो ये टैंक कनेक्शन इस टाइप के आते हैं जिससे आप टैंक से पानी निकालते हैं ना, वो कनेक्शन होता है, तो इस टाइप का आप यूज कर लीजिएगा। ये 50 रुपये का एक पीस पड़ता है, ठीक है। तो 22 पीस हमारा ये लगा हुआ है। आप सोचेंगे भाई 12 पीस अगर पाइप है तो ये 22 पीस क्यों लगा हुआ है, 24 लगना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर एंड लगा हुआ है ना, जहाँ पर आप पानी दे रहे हैं सिस्टम को, वहाँ पर आपको एंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एंड से हमने इसको बंद कर रखा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ना बेंड भी 2 पीस बच गया और 2 कनेक्शन, कनेक्शन तो आप लगा सकते हैं यहाँ भी वैसे, लेकिन उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, उसको आप कैसे ही बंद कर लीजिए। बाकी ये इसमें 50 एक टैंक कनेक्शन हो गया, एल्बो हो गई। अब ये एल्बो देख रहे हैं आप, ये एल्बो, ये हमारी 22 पीस एल्बो लगी हुई है, तो ये 30 रुपये की एक एल्बो आती है। आप लोगों को हो सकता है 20 की पड़ जाए, हो सकता है 40 की भी पड़ जाए, तो आप अपने यहाँ का रेट देखिएगा, ये अलग अलग कंपनी के हिसाब से रेट होते हैं इसके। तो 30 रुपये के हिसाब से हमारा इसका 660 रुपये होता है, तो 660 रुपये का ये हो गया, ठीक है। अब ये 2 एंड कैप भी लगा हुआ है, ये तो 2 एंड कैप 20 रुपये के हिसाब से 40 रुपये का ये लगा हुआ है, ठीक है। और वाटर पंप जो हमारा चल रहा है, ये पंप कोई महंगा वाला नहीं, 18 वाट का पंप है, तो एक लगा हुआ है 250 रुपये का। हमने एरेशन सिस्टम अभी लगाया नहीं है इसमें, बिना एरेशन के ही हमारा सिस्टम चल रहा है, क्योंकि पानी काफ़ी ऊपर से हम गिराते हैं और फिर दो दो जगह से पानी गिर रहा है उसमें, तो एरेशन वैसे ही बन जाती है। आगे देखेंगे, आगे हमारा विचार है वैसे लगाने का, लेकिन अभी तो नहीं लगाया हुआ हमने, तो अभी हमारा काम चल रहा है इससे, ठीक है। बाकी ये प्लास्टिक का एक ड्रम देख रहे हैं, एक टैंक आपको रखना पड़ेगा, तो 200 लीटर का ड्रम भी काट के रख सकते हैं, और आप रेडीमेड क्रेट जो आती हैं, क्रेट भी लगा सकते हैं इसकी जगह पर, तो आपकी मर्ज़ी है। तो 800 रुपये का हमें ये ड्रम पड़ा था, उसको हमने आधे से थोड़ा ऊपर का हिस्सा काट रखा है, लगभग 120 लीटर का ये है, वो टैंक हमने रखा हुआ है। और ये प्लास्टिक के गिलास हैं जो, जिसमें ये पौधे लगे हुए हैं, ये लगभग 90 पैसे का एक गिलास पड़ता है, ठीक है। इसकी जगह पर आप नेट कप ले सकते हैं, नेट कप आपको 3 इंच वाले लगभग 10 रुपये के आसपास मिल जाने चाहिए, ऑनलाइन 10 रुपये के अवेलेबल है, बाकी कहीं थोक वगैरह में देखें तो हो सकता है सस्ता हो जाए, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप गिलास भी छेद करके लगा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि होल काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए। आप होल देख ही रहे हैं इसमें, होल हमने ऊपर तक कर रखे हैं, तो इस हिस्से तक कम से कम आपको होल करना पड़ेगा। एक सोल्डरिंग आयरन ले लीजिएगा 20-25 वाट का, उससे बहुत बढ़िया से होल हो जाते हैं, ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। और तो इसकी लागत हमारी 225 रुपये का कप ये गिलास पड़े हैं हमें, और 4 इंच बाकी, ये टोटल जो अगर जोड़ते हैं तो ये 8,785 रुपये की हमारी लागत आई है इसमें, ठीक है। टोटल सिस्टम बनाने में लेबर वगैरह सब कुछ करके 8,785 रुपये में सिस्टम तैयार हुआ है। बाकी न्यूट्रिएंट वगैरह की बात है तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना करके आपको बताएंगे कि शुरू में आपको कितना न्यूट्रिएंट लगेगा और कितने ऑप्शन हैं आपके पास इसमें। आप इसको ऑर्गेनिक तरीके से भी कर सकते हैं, हालांकि अभी हमने ऑर्गेनिक का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन हम आगे जो 6 पाइप लगाएंगे उसमें हम ऑर्गेनिक का प्रयोग करने वाले हैं, उसमें टोटल ऑर्गेनिकली उसको करेंगे। हालांकि ये भी ऑर्गेनिक ही है, मान लीजिए कि फास्फोरस गोलियां लोग खाते हैं, पोटास की गोलियां लोग खाते हैं, ठीक है, पोटेशियम सप्लीमेंट, फास्फोरस सप्लीमेंट, ठीक है, या तो हमारे शरीर को आवश्यकता है इसकी,
हाँ ये रहा कि भाई दवाइयाँ जो हम इस पे दवाइयाँ छिड़की जाती है इंसेक्टिसाइड, तो वो इसमें यूज करने का मौका शायद ही आता है, क्योंकि इतनी तेज़ ये पौधा बढ़वार करता है इसमें कि उसकी आवश्यकता पड़ती नहीं है कि आप कोई अलग से इसके इंसेक्टिसाइड वगैरह का छिड़काव करें। हमें तो अभी तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है कि कभी कीड़ा लगा हुआ हमारे पौधों के ऊपर, ठीक है, तो हमें कभी छिड़काव नहीं करना पड़ा। तो एक तो वैसे ही ऑर्गेनिक हो गया, ये दवाइयाँ तो आप खाते ही हैं। अगर इसमें फास्फोरस हम डाल रहे हैं, मान लीजिए DAP डाल रहे हैं, तो क्या फास्फोरस है और पोटाश डाल रहे हैं, तो अभी तो इंसान वैसे ही सप्लीमेंट के रूप में लेता है। आपके हर खाने में पोटेशियम होता ही होता है और आपको लेना ही पड़ेगा, तो इसलिए एक तरह से ऑर्गेनिक ही हुआ। क्योंकि अगर आप इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड वगैरह का छिड़काव नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो ऑर्गेनिक है, ठीक है। बाकी एक यूरिया थोड़ा सा नुकसानदायक एक केमिकल है जो कि इंसान को भी नुकसान करता है और पेड़ पौधे भी कोई खास खुश नहीं होते उससे। खेतों में ठीक है लोग यूज करते हैं, लेकिन इस सिस्टम में यूरिया का यूज थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, ज़्यादा अच्छा है। इसमें पौधों को ज़्यादा पसंद नहीं आता उसका, और उससे इसको कोई न्यूट्रिशन मिलता भी नहीं है। इस सिस्टम में यूरिया काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये था हमारे जानकारी। बाकी आपको अंदर से दिखाते हैं कि हमारे अभी कितने ये सिस्टम में हम अभी पाइप बढ़ा सकते हैं, स्पेस अभी इसमें काफ़ी है, क्योंकि तो चौड़ाई हमने जो ले रखा है वो 4.5 फुट से, हाँ 4.5 फुट के करीब है। तो देखिए एक इंसान इसमें आराम से आसा जा सकता है, ठीक है। और ऊपर का ये हिस्सा हमें खुला ही रखना है, क्योंकि जो अगर ये भी हम ढक देते हैं तो जो ऊपर का स्पेस है हमारा एक कुछ सब्जियों के लिए सपोर्ट का काम करता है, ठीक है, फिर वो दिक्कत हो जाएगा हमें उसको एडजस्ट करने में। हाँ यहाँ साइड में है कि यहाँ हम चाहें तो एक दो पाइप इधर और दो पाइप इधर वो लगा सकते हैं, और बाकी नीचे के साइड तो हमारा अभी खाली है ही है बाहर। तो ये 6 पाइप हमारे और लग सकते हैं, लगभग 120 कप हमारे और इसमें इस सिस्टम में बढ़ सकते हैं। और बाकी धूप की कोई ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा, अगर साग वगैरह करना है तो धूप की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। अगर 2 घंटे 3 घंटे की भी धूप मिलती है तो आपके वो फसल तैयार हो जाएगी बढ़िया से। देख ही रहे हैं हमारी यहाँ पर धूप कोई ज़्यादा नहीं मिलती है, क्योंकि इधर ऊँचाई ज़्यादा है और उधर से भी धूप कम ही आती है, तो फिर भी देख रहे हैं कितना ये हरा पौधा है हमारा हर तरीके से। उधर शिमला मिर्च लगी हुई है और वो इतनी बढ़िया बढ़ रही है कि मिट्टी में तो हम लगाते हैं तो कुछ ना कुछ बीमारी आ जाती है उसमें, लेकिन इसमें हमने लगा रखा है कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, इतना बढ़िया ये चल रहा है। और ये बिल्कुल अभी उगा ही था, बिल्कुल अभी जर्मिनेशन हुआ था और हमने लगा दिया। अभी देखिए हमने 3 टमाटर के पौधे भी इसमें ट्रांसफ़र किए हैं, और ये बिल्कुल देखिए इसी कंडीशन में हमने उनको भी लगाया था शिमला मिर्च को, है ना, इसी कंडीशन में लगाया था। अभी कोई 10-12 दिन हो रहे हैं लगाए हुए, इनकी कंडीशन देखिए टमाटरों की, क्योंकि ये बिल्कुल 2-2 पत्ते हैं अभी, और हमने इनको डाल दिया इसी में। कौन इसको संभालता रहे, बाहर इधर पड़ा रहेगा अपना बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इस सिस्टम की एक खासियत है कि आप इस तरह से आप अपना कर सकते हैं। और बाकी ये सब धनिया लगी हुई है, पालक तो हमने काट लिया कल शाम को हमारी हार्वेस्टिंग फिर से है। बाकी आपसे विदा लेते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। आपको इसके न्यूट्रिशन के बारे में हम जानकारी देंगे कि हम किस न्यूट्रिशन पर अभी इसको कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन का प्रोग्राम अलग ही है इसमें, ठीक है। ओके बाय।